हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास तीन टाइप की होती है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि आपने फाइल्स में चीजें किस तरह से रखनी है, अपना डेटा, अपनी फील्ड्स, रिकॉर्ड्स किस तरह से रखने हैं। तो जो हम जिस तरह से हम फाइल में रिकॉर्ड रखेंगे उसी तरह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि हम वहां से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, वहां से निकाल के पढ़ सकते हैं। तो उसके हमारे पास तीन तरीके हैं, सिक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, और इंडेक्स सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल फाइल में क्या होता है, जिस तरह आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि सीक्वेंस में चीजें आ रही हैं, एक के बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जिस तरह आप लोगों के रोल नंबर्स ऑर्गेनाइज होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह जो है सिक्वेंशियल फाइल में डेटा सीक्वेंस की फॉर्म में होता है कि सबसे पहले वाला डेटा हमने सेव कराया, जब दूसरा डेटा आएगा तो उससे अगली जगह पे सेव हो जाएगा, फिर तीसरा आएगा उससे तीसरी जगह पे। इस तरह जिस जिस टाइम के हिसाब से आप डेटा सेव कराते जाएंगे वो एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब जब आपने इसमें से डेटा रीड करना है, मतलब कि डेटा रीड करने का मतलब होता है कि डेटा आपने उसमें से निकाल के देखना है, व्यू करना है, तो जब आपने डेटा रीड करना है तो वो सीक्वेंस की फॉर्म में रीड होगा कि मतलब सबसे अगर आपने डेटा नंबर 5 पे जाना है तो उससे पहले आपको डेटा नंबर 1 पे भी पहुंचना पड़ेगा, फिर 2 पे भी जाना पड़ेगा, फिर 3 पे भी, फिर 4 पे, और फिर आप 5 पे जाओगे। आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप डायरेक्ट जो हो ना 5 पे चले जाओ। तो ये होती है सिक्वेंशियल फाइल्स। जैसे कि आप इसकी एग्जाम्पल्स ले लें कि जैसे आप पहले जमाने में टेप रिकॉर्डर्स होते थे, जो टेप होती थी उसमें क्या था कि अगर म्यूजिक की टेप है तो अगर आपने सॉन्ग्स उसमें से सुनने हैं तो आपने अगर आपका जो फॉर एग्जांपल जो भी आपका डिजायर्ड सॉन्ग है वो फिफ्थ पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, तो आपको पहले वाले सारे जो है फास्ट फॉरवर्ड करके ही उस लोकेशन पे पहुंचना पड़ता था। तो ये होती है सिक्वेंशियल फाइल्स। सेकेंड हमारे पास है डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में क्या होता है कि आप जो हो ना सीक्वेंस में नहीं जाते, अपनी मर्जी से जो है ना डेटा एक्सेस कर लेते हो, इसमें आपको सीक्वेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपने एक फाइल ओपन किया तो आप डायरेक्टली जो है किसी भी फोल्डर पे चले जाओ, जिस तरह के हमारे कंप्यूटर्स में होता है कि आपने जो है फोल्डर ओपन किया और आप डायरेक्ट उस फाइल पे क्लिक करोगे तो उधर तक पहुंच जाओगे। तो ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस, आपको उससे पहले वाली सारी फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड वन इज इंडेक्स सिक्वेंशियल। इंडेक्स सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आप इसको सिक्वेंशियली भी डेटा ले सकते हो और रैंडमली भी कर सकते हैं एक्सेस। जिस तरह हमारे कंप्यूटर्स में ही होता है कि आप अक्सर होता है ना कि एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर, फिर तीसरा फोल्डर, फिर छोटा फोल्डर, इस तरह से आप सिक्वेंशियली जा रहे होते हो। आप ऊपर वाले सारे फोल्डर जब तक नहीं ओपन करोगे, एक्सेस करोगे, आप जो उसका अंदर फोल्डर है उस पर नहीं जा सकते। तो एक तरह से इसमें सिक्वेंशियल भी है, मगर जब आपने वो वाला फोल्डर ओपन कर लिया और उसकी फाइल जब आपके पास लाइन में ओपन आ गई तो आप रैंडमली कोई सी भी फाइल भी ओपन कर सकते हो। तो ये है इंडेक्स सिक्वेंशियल। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी की कोई क्यूरी? यस ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डेटाबेस पे। अच्छा, डेटाबेस जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आगे जो आपको सारा कुछ पढ़ाया जा रहा था, डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड, ये क्या होता है, ये सिर्फ आपको इसीलिए समझाया जा रहा था ताकि आप डेटाबेस को जो है अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा, आप लोग जिस तरह सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक पे काफी स्टूडेंट्स की आईडी होंगी, इवन के सबकी होती है, तो जब भी आप वो ओपन करते हैं अपनी आईडी तो आपने जो पिक्चर्स पहले अपलोड की होती हैं, कोई भी स्टेटस लगाया तो कुछ भी लगाया होता है, वो आपके पास अपडेटेड रहता है। आप ये नहीं होता कि आप जो है अपनी फेसबुक बंद करेंगे तो वहां से वो पिक्चर रिमूव हो जाएगी, अनटिल और अनलेस आप खुद ना वहां से डिलीट करें या आपकी प्रोफाइल पिक्चर गायब हो जाएगी, ऐसा ही है ना। तो वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो जो है एक जगह पे आपकी चीज सेफ पड़ी हुई है, वो इंटरनेट पे कहीं एक स्पेसिफिक जगह है, कोई भी ड्राइव है जहाँ पे आपकी वो इंफॉर्मेशन सेफ पड़ी हुई है। अगर आप अपने मोबाइल से अपनी प्रोफाइल पिक्चर डिलीट भी कर दें मगर आप फेसबुक जब ओपन करेंगे तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर वही रहेगी, क्यों, क्योंकि वो किसी जगह पे सेव हुई हुई है। तो डेटाबेस का भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि डेटाबेस जो है
एक ऐसी जगह, एक ऐसा कंप्यूटर आप अभी से कंसिडर कर लें कि जिसके अंदर डेटा जो है स्टोर रहता है आपका काफी देर तक। तो वो जो फेसबुक है ना, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, उसका डेटाबेस के साथ लिंक है कि आप जो है, अपने अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज, कि उसके साथ लिंक है कि आप जब फेसबुक ओपन करती हैं तो वो डेटाबेस में से आपकी वो वाली पिक्चर और आपका नाम वगैरह सब आ जाता है। तो डेटाबेस एक इस तरह से एक कलेक्शन होती है आप सबके डेटा की, या किसी भी चीज के डेटा की। हमने एक तो मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दिया ना, आप अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लें। आप लोगों का डेटा किसी कंप्यूटर में सेव होगा, आप कहीं पे भी जाएंगे, आपका फीस चलान या कुछ भी आता है, आपका रिजल्ट कार्ड आता है, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपका जो डेटा है किसी डेटाबेस में सेव हुआ है। तो डेटाबेस क्या होती है कि एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें आपका डेटा, आपकी फाइल्स जो है एक लॉजिकली फॉर्म में सेट हुई भी होती हैं। जिस तरह आप एक्सेल शीट ले लो, एक्सेल शीट बनाते हो ना, आपका और आ रहा होता है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट। तो इसी तरह जो डेटाबेस में है ना, आपका डेटा लॉजिकली, मतलब कि एक हिसाब से लॉजिकली रिलेटेड होता है आपस में और ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होता है, एक साथ सेट हुआ हुआ होता है। यहां तक तो कोई क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस मैम, इसी तरह जो डेटाबेस है इसमें यस आपकी, मैम, तो डेटाबेस में आपकी डिफरेंट फाइल्स होती हैं जिससे आप जो है ना अपना डेटा जहां पर स्टोर कर देते हो कि आप जो है बाद में किसी पर्पस के लिए बाद में कोई जो है ना यूज कर सको। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है बैंक की, बैंक में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास उनका डिफरेंट डेटा होता है। किसी क्लाइंट का लोन का डेटा होगा, किसी का कोई अकाउंट होगा, किसी का सेविंग अकाउंट होगा। तो वो क्या करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में नहीं रख सकते। आप रजिस्टर में रखोगे कितनी एक लिखते जाओगे, कितना एक सेफ रखोगे? आपको जब रिट्रीव करना होगा तो कितना मसला होगा? आपने इतने सारे रजिस्टर बना लिए, बैंक में पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं, तो आप हर एक एक रजिस्टर तो नहीं खोल के देख सकते। तो इसीलिए डेटाबेस जो है आपकी हेल्प करता है कि आप डेटा को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो। लॉजिकली इस तरह से, जिस तरह हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन होती है, कि सेविंग वालों का अलग कर लो, करंट अकाउंट का अलग कर लो, लोन वालों का डेटा अलग कर लो। तो इस तरह क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है डेटा को देखने में। तो डेटाबेस में भी हम इसी तरह करते हैं कि हर कस्टमर का डेटा, उसकी जो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, अलग अलग फाइल्स बना के तो उसमें स्टोर कर लेते हैं कि ताकि हमें अगर बाद में दोबारा चाहिए भी तो हम कंप्यूटर में से वो इंफॉर्मेशन निकाल लें। डेटाबेस का मकसद यही है कि हम कंप्यूटर में अपना डेटा रखें और बाद में हमें रिट्रीव करने में आसानी हो। क्योंकि अगर हम रजिस्टर्स वगैरह में रखेंगे, पहली बात तो वो डेटा सेफ नहीं रहेगा, रजिस्टर आपका गुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या, कंप्यूटर में आप जितना मर्जी डेटा रख लें तो वो वहां पर सेफ रहेगा। जिस तरह आप अभी ये डायग्राम देखें, ये डेटाबेस की डायग्राम बनाई है, बीच में आपको एक बड़ा सा ग्रे बॉक्स नजर आ रहा है, कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल्स जहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। डेटाबेस को जब भी आप डायग्राम में किसी चीज में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने इस तरह से इसकी सिलेंडर शेप बना के रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ये इस तरह की एक शेप बनी हुई होगी किसी भी कंप्यूटर डायग्राम में, और वहां पर ना भी लिखा हो कि डेटाबेस है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये डेटाबेस है। जिस तरह के आप हार्ड ड्राइव में डेटा रखते होते हैं, किसी भी सीडीज में रखते होते हैं, तो इसकी भी शेप आप देखें तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसमें क्या है, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ठीक है, और इस डेटाबेस से कुछ कंप्यूटर जो हैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे हैं, और कुछ यूजर्स जो हैं किसी एक डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डेटा चाहिए। डेटाबेस के एक डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, एडिंग न्यू और ब्लैंक फाइल्स टू डेटाबेस। आप डिफरेंट ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हो, डेटा में नया डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आप पहले उसकी फाइल्स बनाओ, डिफरेंट ग्रुप्स बनाओ, कि ये जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का डेटा है, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट का डेटा है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। इस तरह से आपने फाइल्स बना ली। फिर
फिर हर फाइल में जो है आपने उस स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर की फाइल है तो उसमें सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ही डेटा अपडेट करो आप। फिर तीसरा ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब है कि वहां से डेटा निकाल के आप रीड कर सकते हैं। अगर आपने डेटा वहां से रीड कर लिया, सपोज करो कि कोई गलती हो गई है, आपने किसी स्टूडेंट के नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो उसको आप डेटाबेस में अपडेट भी कर सकते हो। तो उसको चेंज करने का मतलब होता है कि आप डेटा जो है वो अपडेट कर रहे हैं वहां से। फिर अगर आपको कोई डेटा नहीं चाहिए, कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया, तो आप उसका डेटा डिलीट भी कर सकते हो। और डेटा के अलावा आप जो पूरी फाइल है, पूरी एक क्लास की फाइल, सपोज करो कि बीएस प्रोग्राम अगर खत्म हो गया है, ठीक है, तो उसकी फाइल भी पूरी डिलीट कर की जा सकती है। कि मतलब उसकी फाइल डिलीट कर दी तो उसके सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो छह ऑपरेशंस हैं, मतलब ये छह काम जो है हम डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं, उसकी फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल के अंदर डेटा ऐड करते हैं, फिर डेटा ऐड करने के बाद वहां से डेटा रिट्रीव करते हैं, फिर उसके बाद उसे अपडेट करते हैं, फिर अपडेशन के बाद हम डेटा वहां से डिलीट कर सकते हैं। और सिर्फ डेटा नहीं, जिस फाइल में डेटा है वो वाली फाइल भी डिलीट हो सकती है। तो ये छह ऑपरेशंस में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो मैम, समझ आ गई है। समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, अब इस डायग्राम पे दोबारा आते हैं। डेटा जो है हर कंप्यूटर में अगर अलग अलग पड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर की डेटाबेस है, फिर दूसरे कंप्यूटर की है, फिर तीसरे की है, चौथे की है, चार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और चारों ने अपनी अपनी कोई डेटाबेस बनाई है, किसी मतलब के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स आउटलाइन बनाई है, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट जो है अपना डेटाबेस अपडेट कर देगा, ठीक है, अपनी कोई भी रिकॉर्ड चेंज कर देगा, और चार बना एक ही जैसी डेटाबेस है, ठीक है, सपोज करो चारों को एक टास्क दिया है कि उन्होंने एक जैसी डेटाबेस बनानी है, तो चारों एक जैसी डेटाबेस बना रहे हैं, चारों के पास सेम तरह का ही रिकॉर्ड आना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई एक स्टूडेंट है, उसने थोड़ी सी चेंजेस कर दी है डेटा में, ठीक है, और बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उसने अपने कंप्यूटर में किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेटा खराब हो गया ना, कि एक के पास अलग है और बाकी जो दो तीन है उनके पास अलग है। तो हमारा क्या मकसद है कि सबके पास एक जैसा ही डेटा आना चाहिए। जिस तरह अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, एक तीन टीचर्स ने आपका डेटा रखा है, हो तो आप लोग एक ही स्टूडेंट ना, तो आपका फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर सारी टीचर्स के पास एक ही आना चाहिए। आप मेरे पास आए हो, आपने कहा कि मिस मेरा फोन नंबर चेंज हो गया, आपने मेरे से फोन नंबर चेंज करा लिया, मैंने अपने पास आपका फोन नंबर अपडेट कर दिया, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स की टीचर है उनके पास आपका पुराना वाला फोन नंबर ही है, तो क्या उनके पास डेटा गलत आ गया। तो हमारा क्या मकसद है कि सबके पास डेटा एक होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है हमारे पास, इस प्रॉब्लम का हल है डेटाबेस। डेटाबेस एक ऐसा डेटा है, ऐसी डेटा स्टोर करने की जगह है कि हम लोगों ने एक सेंट्रल डेटाबेस बना दी है, जिस तरह यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो एक ब्लैक सा ग्रे बॉक्स है, उस एक डेटाबेस से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम वाले भी तीन कंप्यूटर्स, ऑनलाइन यूजर जो एक्सेस कर रहे हैं वो भी एक ही डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है, कि सबके पास जो है एक जैसे ही डेटा आएगा। अब अगर मैं अपडेट करूंगी ना फोन नंबर, तो फोन नंबर इस वाली डेटाबेस में अपडेट होगा, तो वही वाली डेटाबेस बाकी सारी टीचर्स और दूसरे ऑफिस वाले लोग भी देख रहे हैं, तो उनके पास भी वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है कि हर एक के पास अलग अलग हम बनाए, तो जी वो डेटा की एक तो रिडंडेंसी होगी, डेटा बहुत ज्यादा डुप्लीकेट होगा, और उसमें क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है कि डेटा अपडेट नहीं सही तरह, वो इन्फॉर्मेशन गलत आती है। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है कि हमने एक सेंट्रल डेटाबेस बना ली है, कि डेटाबेस एक डेटाबेस की एक जगह बना ली है सेंट्रल डेटा रखने के लिए, और उसी से जो है सारी चीजें, सारी एप्लीकेशंस कनेक्ट हो गई हैं।
तो डेटाबेस की एक और फंक्शनैलिटी क्या है कि आप एक डेटाबेस बना लो और इससे डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है कनेक्ट कर लो और वो उसी डेटा से, उसी डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते रहेंगे। जिस तरह के आप देखो डेटा क्या है हमारे पास, डेटा इंफॉर्मेशन होती है ना किसी भी चीज की, आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, नेम, क्लास, रोल नंबर, फोन नंबर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो हम लोगों ने डेटाबेस में स्टोर क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन। और डेटाबेस स्टोर खुद कहाँ पर होती है, जिस तरह आप लोग पढ़ते हो ना रैम, रैम में टेम्परेरी डेटा होता है, मगर हमारे पास सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेजेस होती हैं, ठीक है। वहां पर क्या है, आप अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करते हो। तो डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, वो आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है और यूएसबी ड्राइव भी हो सकती है, सीडी रोम भी हो सकता है, और उससे फिर आप एक्सेस करते हो डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस आपके माउस या कीबोर्ड होता है, उसी से जाके आप एक्सेस करते हो ना, उसी से जाके फाइल ओपन करते हो क्लिक करके। तो ये क्या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे चाहिए होती है। उसके बाद डिवाइस कंट्रोलर्स कुछ होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कि माउस को नहीं पता कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एरो मूव कर रही हूँ तो ये इसी तरह से क्यों मूव हो रहा है जिस तरह से मैं इसे मूव कर रही हूँ। तो वो इसको समझाते होते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स कि अगर माउस इस तरह से ऊपर नीचे मूव होगा तो इस पॉइंटर ने भी ऊपर नीचे ऐसे अप डाउन मूव करना है। तो ये होते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स। इसी तरह इनपुट आउटपुट चैनल्स, जिस तरह बसेस होती हैं, आपने इनपुट दिया, एक बस मतलब वायर, वहीं से डेटा जाएगा, इसके अंदर इंटरनली कनेक्टेड होती है कंप्यूटर के, और उसी से डेटा आपके पास आएगा, तो उनको बोलते हैं इनपुट आउटपुट चैनल्स। प्रोसेसर होता है आपका सीपीयू और मेन मेमोरी। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ना आपको चाहिए होते हैं एक डेटाबेस को सेटअप करने के लिए, एक डेटाबेस को बनाने के लिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन समझ आ गया डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, कि हम ये क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? यस मैम। हार्डवेयर कंपोनेंट्स की समझ आ गई है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे हमें डेटाबेस के लिए? पहले तो हम लोगों ने देख लिया था कि एक तो हमें डेटा को स्टोर करना होता है, फिर हमें ये हार्डवेयर की चीजें चाहिए, सेकेंडरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिवाइस कंट्रोलर, आईओ चैनल, प्रोसेसर, मेन मेमोरी, ये सारी हमें हार्डवेयर चीजें चाहिए होती हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। फिर सॉफ्टवेयर भी तो कोई चाहिए होगा ना, जहाँ से हम डेटा ले सकें डेटाबेस से। तो उसके लिए हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिस तरह से हमारा फॉर्म वगैरह कोई बना लेते हैं, कोई इंटरफेस आ जाता है। हम लोग हार्डवेयर में से डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना डेटा एक्सेस, जब तक कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा। आप लोग डॉक्यूमेंट अगर आपका हार्ड ड्राइव में सेव है, जब तक आपके पास वर्ड नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा, आप खुद से लिख तो नहीं सकोगे ना डॉक्यूमेंट हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ, या खुद से रीड तो नहीं कर सकोगे डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे तो वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, हर 01 की फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, कुछ एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं कि हम लोग जो है हार्ड ड्राइव में से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से डेटा रीड कर सके या सेव कर सके। और लास्ट चीज, ये सारे काम करने के लिए हमें लोगों की भी जरूरत है। हार्डवेयर खुद नहीं सेटअप हो जाएगा, सॉफ्टवेयर खुद नहीं बन जाएगा कि ठीक है मैं हार्डवेयर से लिंक हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें डिफरेंट लोगों की जरूरत है जो ये चीजें हमारे पास बनाएंगे और लिंक करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट, वो लोग जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनानी होती है। प्रोग्रामर्स का तो आइडिया है ना आप लोगों को कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामर्स क्या है? किसी को अगर नहीं है तो मुझे बताते, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो हम प्रोग्राम लिखते होते हैं, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जब सी प्रोग्रामिंग करनी है।
तो प्रोग्राम्स जो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब ऐसी चीजें जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही 0-1 की फॉर्म में कंप्यूटर को बताया गया होता है कि तुमने ये परफॉर्म करना है, तो वो चीज होती है प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को बनाने जो लोग बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्रामर। कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद नहीं बना, किसी ने बनाया है, तो जिसने बनाया है वो है प्रोग्रामर। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? प्रोग्राम है जिसे हमने डेटा लेना है। फेसबुक खुद नहीं बनी, किसी ने बनाई है, तो जिसने बनाई है वो प्रोग्रामर है। और वो इटसेल्फ क्या है? उसका उसने पीछे प्रोग्राम लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखी है ऐसी तरह से कि कंप्यूटर को वो समझ आ जाए और कंप्यूटर उस तरह से काम करे। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है? ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसी कमांड्स होती हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं कि तुमने कोई काम करना है। जिस तरह कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दें, 1 + 2 = 3, तो कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ता है किसी इंस्ट्रक्शन में लिख के कि अगर यूजर 1 और 2 प्रेस करेगा और साथ प्लस प्रेस करेगा तो उसका मतलब है कि उसको आंसर 3 शो करो। कंप्यूटर को खुद नहीं पता होता, तो कंप्यूटर को हम बताते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कमांड्स के थ्रू, और वो कमांड जो लिखता है वो होता है प्रोग्रामर। समझ आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम, क्लियर। फिर एंड यूजर्स आ जाते हैं। एंड यूजर्स कौन होते हैं? आप, हम, जो प्रोग्राम हमें मिल जाता है और हम उसे यूज कर रहे होते हैं। फिर तीसरा आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब डेटाबेस को हमने प्रोग्राम से कंफ्यूज नहीं करना। डेटाबेस अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है। ये डेटा स्टोर करता है फाइल्स की फॉर्म में, और इसके अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटाबेस को बनाने का भी एक तरीका होता है, अलग तरीके से बनती है। ये सिंपल प्रोग्राम की तरह नहीं बनती, जिस तरह ये वर्ड या पीडीएफ या जूम इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, इस तरह से नहीं बनती। डेटाबेस का एक अलग से स्ट्रक्चर होता है जो कि जो वो डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है, और जो उस डेटाबेस को पूरा डिजाइन करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कि डेटाबेस में क्या है, आपके पास डेटाबेस आ गया, उसमें डिफरेंट फाइल्स हैं। अब ये भी आपने डिसाइड करना है ना कि अच्छा ये फाइल बनेगी, फर्स्ट ईयर की बनेगी, सेकंड ईयर की बनेगी, बीएस की बनेगी, और इसमें ये रिकॉर्ड होगा। फिर ये होगा कि ये जो है मार्क्स की फाइल होगी, ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के मार्क्स की फाइल होगी। तो ये सारी चीजें जो डिजाइन होती हैं प्रॉपर, जिस तरह एक आप चीज डिजाइन करते हो ना कि फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रेस भी डिजाइन करना होता है तो उसकी भी हम लोग चेक करते हैं कि किस किस चीज का कहाँ से लिंक आना चाहिए, किस तरह से अच्छा बनना चाहिए। इसी तरह जो डेटाबेस है इसका भी पूरा डिजाइन होता है कि कौन कौन सी फाइल्स आनी चाहिए, उस फाइल में क्या क्या आना चाहिए, और वो वाली फाइल किस दूसरी फाइल के साथ लिंक होगी। कि कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट हमारे ब्लॉक्स हैं कि कुछ आर्ट्स के और कुछ आईसीएस के हैं, तो उनका आपस में कैसे लिंक होगा, उनका लिंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या टीचर्स की फाइल है, टीचर्स की फाइल में एक मेरा रिकॉर्ड है क्योंकि मैं आपकी कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मेरा लिंक फिर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनसे होना चाहिए। तो ये प्रॉपर एक डिजाइन होता है, और उस डिजाइन को जो बनाता है और जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।